हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉर्थ स्प्रिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैट की परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है। सभी बच्चे तैयारी करना अपना शुरू कर दिए हैं, और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं अभी पाठ्यक्रम के बारे में कि हमारा जो ये हमारा जो शासन द्वारा जो पाठ्यक्रम आया है पैट का, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पेट में जितना सिलेबस है, अगर आप उतना पढ़ लेंगे, उतनी तैयारी कर लेंगे, तो आपका दोस्तों पेट में 100 में 100 नंबर आ जाएगा। और पेट परीक्षा क्वालिफाई करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। जो भी आप पेट के द्वारा जो भी परीक्षाएं जो हमारा बोर्ड कराता है, इसमें तो ही आप बैठ पाएंगे। इसलिए पेट जो है हमारा दोस्तों, ये समझ लीजिए प्री पेपर है हमारा, इसको क्वालिफाई करना बहुत ही अनिवार्य है। आइए देखते हैं जो हमारा पेट का शासन द्वारा जो अनुमोदित जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, क्या क्या है। और जितना हमारा सिलेबस है वही हमारा आज आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो हमारा पेट का पेपर है दोस्तों, ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको सिर्फ 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा, और 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न रहेगा और पूरा अंक ही 100 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पे पेट के पेपर में हमारा 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यही हमारा 1/4 माइनस मार्किंग यही होता है। और देखिए आज हमारा जो ये है टॉपिक, इसे है देखिए, ये हमारा जो विषय है, यानी जो पेट में क्या क्या विषय पूछा जाएगा और कितने कितने अंक का वो विषय होगा, यानी जैसे हमारा भारतीय इतिहास है, इसमें इसके जो ये सब टॉपिक है, इसमें इस प्रकार के टॉपिक पूछे जाएंगे। और ये सिर्फ 5 नंबर का आता है, यानी इन सारे टॉपिक से आपको 5 नंबर का प्रश्न मिलेगा। और 5 प्रश्न 5 अंक, ये क्रम संख्या यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ आसानी से समझने के लिए लगा दी है। देखिए क्रम संख्या पहले में हमारा जो विषय है भारतीय इतिहास है। देखिए भारतीय इतिहास में क्या क्या है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में क्या है, गौतम बुद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो बौद्ध धर्म हमारा है उसमें गौतम बुद्ध का ही महान रोल है दोस्तों बौद्ध धर्म में। तो इनकी जीवनी, इनकी शिक्षाएं क्या, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैन धर्म, इसके जो संस्थापक हैं ये महावीर जी हैं, इनकी जीवनी, इनकी शिक्षाएं पूछे जाएंगे। मौर्य वंश है जो सम्राट अशोक, इनके बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन, राजपूत काल, संस्कृत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय, यूं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब था जो दोस्तों ये था हमारा प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी जो भी हमारा भारत में जो भी भारत का इतिहास है उससे संबंधित जो ये आपके सब टॉपिक थे, इसी के अंतर्गत इससे आने वाले संबंधित बनने वाले प्रश्नों से जो भी प्रश्न बनेगा यदि हमारा पेट के पेपर में आएगा दोस्तों, ये सिर्फ 5 नंबर का आएगा। ये था हमारा पहला विषय। आप देखिए दूसरा विषय है जो कि हमारे पेट में पूछा जाएगा, जो दूसरा विषय है ये हमारा देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसमें भी आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंक का होगा। देखिए इसका जो सब टॉपिक है, इसके अंतर्गत आने वाला जो हमारा ये विषय है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ये महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं द्वारा ये आंदोलन शुरुआत किया गया था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी सोच, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये था हमारा दोस्तों जो था भारतीय आंदोलन। ये सारे जो आंदोलन है जो ये संबंधपूर्ण है, सब इतना ही पैटर्न पूछा जाएगा दोस्तों। पैट का सिलेबस बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये हाई स्कूल जो मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों हाई स्कूल है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये यानी कि हाई स्कूल के लेवल तक इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत आसान कठिन नहीं होता ना बहुत आसान होता। ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि तैयारी आप परीक्षा में किस प्रकार की किए हैं, किस प्रकार से किए हैं। और तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सिलेबस जितना है अगर आप उतनी अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आप पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तैयारी करने का कोई सीमा नहीं है, तैयारी आधा है, आप समय के अंदर रह के
स्मार्ट तैयारी कीजिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे और सिलेबस के अंदर ही आप रहकर तैयारी करिए, क्योंकि समय इतना नहीं है कि आप सिलेबस से बाहर भटकिए। सिलेबस के अंदर रहकर करिए, पेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइएगा। चलिए, ये था हमारा आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो कि 5 अंक का आता है। अगला देखिए जो है भूगोल। भूगोल जो दोस्तों देखिए, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। भारत जो विश्व का भौतिक भूगोल, ये तो पूरा बहुत विशाल है भारत, और विश्व का भौतिक भूगोल इसका तो कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक इसकी सीमा है, इसको भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये था हमारा भूगोल। इससे भी दूसरा प्रश्न आएगा 5 अंक का। इतना सारा जो टॉपिक दिया है इसमें से सबसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना सब कुछ तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से पूछ लेगा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इतने ही टॉपिक से आएगा। ये था भूगोल का। अब आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। चौथा विषय हमारा ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ये जो है, यहाँ से पूछेंगे इसको, 1947 से लेकर 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यही से प्रश्न पूछा जाएगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। और इसमें और भी टॉपिक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा ये भी है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये सब दोस्तों, उसके सब टॉपिक इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी आपके सामने टॉपिक है। इससे सिर्फ 5 प्रश्न आएगा, 5 अंक का। अगला देखिए जो हमारा 5वां विषय है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इससे भी 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकारियों, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघीय केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। यह है हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला देखिए क्या है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान है, यानी विज्ञान का जो ये छोटा छोटा प्रश्न होता है यही पूछा जाएगा इसमें। ये भी 5 नंबर का है, जिसमें से पहला प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, दूसरा प्रारंभिक रसायन विज्ञान है, और जो तीसरा है हमारा ये है प्रारंभिक जीव विज्ञान। इन तीनों को मिला के सिर्फ 5 ही नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला देखिए क्या है प्रारंभिक गणित। इसे भी सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हमारा टॉपिक है। इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक, घात और औसत। इतना ही टॉपिक है सिर्फ मैथ में दोस्तों। जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। मैथ से सिर्फ 5 ही नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और टॉपिक भी बहुत आसान है, छोटी आसानी से आप इसकी तैयारी सेल्फ ही कर सकते हैं। अगला देखिए हिंदी का भी सिलेबस देखिए कितना कम दिया है। संधि दिया है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकियां, समान अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य पद, यानी गद्य पद दो लेखक की रचनाएं पूछी जाएंगी। इससे भी सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछा जाए, 5 ही अंक का। अगला जो हमारा विषय है सामान्य अंग्रेजी। इससे भी सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, यानी कि पूरा अंग्रेजी व्याकरण आएगा, आपाठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इन दोनों को मिला के सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगला जो है हमारा वो है तर्क एवं तर्क शक्ति, इसको आप लोग रीजनिंग कहते हैं। ये रीजनिंग का हमारा जो विषय है, इससे भी सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये सब है हमारा रीजनिंग का टॉपिक। ये सब भी बहुत आसान होता है, इससे भी सिर्फ 5 ही प्रश्न का पूछा जाएगा हमारा 5 ही प्रश्न। और जो गिरावा है ये हमारा
सामयिकी दोस्तों इससे भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय और वैश्विक, यानी इससे हमारा इससे ज्यादा नंबर का प्रश्न आएगा, इसको बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। अगला जो है सामान्य जागरूकता, देखिए इसको आप लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस, इससे हमें इससे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे भारत के पड़ोसी देश, इससे पूछे जाएंगे प्रश्न देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्यों की शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, नो उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन। ये सब है हमारा, ये सब जो है हमारा सामान्य जागरूकता संबंधित प्रश्न है, इससे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए अगला जो हमारा, अभी ये हमारा जो है इसमें और भी है, प्रसिद्ध पुस्तकें यो लेखक पुरस्कार यो विजेता, जलवायु परिवर्तन यो पर्यावरण, इतना है हमारा ये दोस्तों जो 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सामान्य जागरूकता से। अब देखिए 13वां जो है हमारा ये क्या है, आपटित हिंदी गद्यांश का विवेचन यो विश्लेषण, दो गद्यांश, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें दो हमें आपटित गद्यांश पूछेगा, उससे उसमें प्रश्न भी दिया रहेगा, उसका उत्तर आपको देना रहेगा, और ये भी 10 नंबर का, यानी दो अपटित गद्यांश है, दोनों 5-5 नंबर का है, यानी 10 नंबर का है। अगला देखिए 14 जो है हमारा ग्राफ की व्याख्या, ये ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, ग्राफ वाला प्रश्न आप लोगों ने जो भी कंपटीशन में बैठा है उसके सामने आया होगा। ग्राफ का प्रश्न बहुत ही आसान होता है, बस ग्राफ देख के आपको वैल्यू निकालना होता है, मान निकालना होता है, प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इस प्रकार के प्रश्न तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी 10 नंबर का है, दो ग्राफ रहेगा, दोनों 5-5 नंबर का रहेगा, ये भी देखिए। और तालिका की व्याख्या यो विशेषण, ये भी देखिए, यहाँ भी दो तालिकाएं दी रहेंगी, और तालिका की व्याख्या विशेषण यहाँ भी प्रश्न पूछा रहेगा, दोनों तालिकाएं 5-5 नंबर का रहेगा, ये भी 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ये हमारा पेट का पूरा सिलेबस, इतना ही तक हमारे पेट के पेपर में आता है, जितना आपको बताया गया यही हमारा सिलेबस, इसी प्रकार का कुछ नहीं आएगा, इतना ही तैयारी अगर आप तरीके से कर लेंगे तो आप पेट में 100 में 100% आएंगे, ये गारंटी है। और ये जो 10-10 अंक का प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये तो बहुत आसान है, जैसे आप गद्यांश, ग्राफ और तालिका, इस प्रकार के प्रश्न में आप पूरा पूरा नंबर उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 100 में 100 लेके आना है, उससे कम लेके नहीं आना है। आप तैयारी अपनी इस हिसाब से कीजिए, एक भी नंबर कटने ना पाए, हमारे मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न में आपको बिल्कुल भी दिक्कत हो, बिल्कुल भी डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो, उसको बाद में कीजिए, और जो पहले आ रहा है उसको पहले कर लीजिए, उसको बाद में सोच समझ कीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कंपटीशन में, एक एक नंबर से बच्चे चढ़ जाते हैं, जीवन भर अफसोस करते हैं, इसलिए तैयारी कीजिए, स्मार्ट तैयारी कीजिए, समय रहते ही पूरी तैयारी बेहतर कर लीजिए और परीक्षा में बैठिए, अच्छा नंबर लेके आइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अब आपसे मिलने शुरू में, तब के लिए बाय बाय।